आज डीएसएसबी एमसीडी पीआरटी मीन 16/17 उसकी दूसरी तारीख है कोर्ट में। जैसा कि आप लोगों को पहले बताया गया था कि 16 जनवरी को कोर्ट में दूसरी तारीख है। नमस्कार साथियों, मैं हूं हरबीर सिंह, स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने प्यारे चैनल लर्न इजी विद हरबीर सिंह में। साथियों, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहां पर आपको सारी चीजें जेन्युइन मिलेंगी, उसकी पूरी सच्चाई पता करके ही आपको चीजें बताई जाएंगी। तो साथियों, बात करते हैं आज डीएसएसबी जो एमसीडी पीआरटी है उसकी कोर्ट में दूसरी हियरिंग है, मतलब दूसरी तारीख है। देखते हैं आज कोर्ट में क्या होता है। हालांकि अंदाजा यही लगाया जा रहा है कि एग्जाम कैंसिल नहीं होगा, केस का रिजल्ट पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो साथियों, हालांकि केस करने वाले साथियों ने पहले क्या बोला था कि जो एग्जाम है उस पर स्टे लग गई है, मतलब जो रिजल्ट आना है उस पर स्टे लग गई है और रिजल्ट आएगा नहीं। लेकिन हमारी जो डीएसएसबी मैम से जैसे भी हमने कॉन्टेक्ट किया है तो वहां से यही चीजें साफ आई है कि रिजल्ट आने वाला है। इसके बाद डीएसएसबी को आज अपना पक्ष रखना है, मीन्स डीएसएसबी को आज अपना पक्ष रखना है, बचाव पक्ष होता है जो, अपना पक्ष रखना है। लेकिन स्पेशल वाले थे जो, उनमें भी क्या हुआ था, डीएसएसबी को अपना पक्ष रखना था लेकिन डीएसएसबी ने अपना पक्ष ही नहीं रखा था, जिसकी वजह से डीएसएसबी पर 7500 रुपए का जुर्माना हुआ था, जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया था। आज देखते हैं क्या होता है। हालांकि केस का कोई ज्यादा असर होगा नहीं और जो भी अपडेट आएगी तो आपको मैं सबसे पहले बता दूंगा। तो साथियों, उम्मीद यही है कि चीजें सारी आपके फेवर में रहेंगी और 30 वाले जो भाई हैं हमारे, उनको भी बेनिफिट मिले, उनको नुकसान ना हो। तो साथियों, आप हमारे चैनल से जुड़े रहें, जो भी चीजें होंगी आपको सबसे पहले बता दी जाएंगे। इसके बाद केजरीवाल जी से कल हमारे साथियों की मीटिंग हुई थी और जो रिजल्ट मिला है वहां से, डीएसएसबी मैम से जो बात हुई है, तो उससे यही रिजल्ट है कि अब रिजल्ट बहुत जल्दी आ सकता है। एक डेट भी बता दी उन्होंने, क्योंकि एक नॉर्मल बंदे से कोई झूठ बोल सकता है लेकिन एक मिनिस्टर से झूठ बोलने का सवाल पैदा नहीं होता। तो केजरीवाल जी से जो मीटिंग हुई थी तो उससे बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिला है। उन्होंने सीधा पूछा कि डेट बता दीजिए कब तक आएगा, तो उन्होंने क्या कहा है कि मिड फेब तक रिजल्ट आ जाएगा। तो साथियों, यही उम्मीद है कि रिजल्ट बहुत जल्दी आ जाएगा और रिजल्ट आता है तो आप लोगों का सहयोग जो आपने किया है उसके हम लोग आभारी रहेंगे और आगे भी भविष्य में अगर जरूरत पड़ेगी तो आप लोग हमारा सहयोग करते रहें। तो साथियों, यही सब कहते हुए मैं विदा चाहता हूँ। गुड बाय, टेक केयर, गुड मॉर्निंग, जय हिंद।